हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमल जोशी है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा न्यूमेटिक सिस्टम में यूज होने वाले जो हमारा बेसिक कंपोनेंट उसमें रहता है FRL, जिसे हम बोलते हैं फिल्टर रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर, ये किस तरीके से वर्क करता है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन रहता है और किस तरीके से हम इसे न्यूमेटिक सिस्टम में यूज करते हैं और इसका ब्रीफ में जो एप्लीकेशंस रहती हैं और कंस्ट्रक्शन वाइज जो जो इसकी इंपॉर्टेंस रहती हैं उसके बारे में मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में। तो फ्रेंड, जो आपको ये पिक्चर देखने को मिल रहा है ये एक टिपिकल FRL का है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि FRL यूनिट में जो हमारे कंपोनेंट लगे हैं, ये फिल्टर है, रेगुलेटर है, लुब्रिकेटर है और इसका जो रेंज है 0.1 से लेके 1 MPa तक है। ये यहाँ पर जो हमारा प्रेशर जो गॉज लगा हुआ है ये MPa में दिखा रहा है। हम इसे KGF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। KGF में 1 से 10 KGF तक हमको शो करेगा, तो ये MPa में शो कर रहा है, तो ऐसा कोई वो नीड नहीं है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम किसी भी न्यूमेटिक जो हमारा प्रोसेस होता है उसको समझते हैं, उसके बाद हम FRL को ब्रीफ में समझाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा कंप्रेसर होता है वो एयर को कंप्रेस करके स्टोरेज टैंक पर ले जाएगा। स्टोरेज टैंक से हमारा जो लुकआउट वॉल्व होगा, जो इसके आगे लुकआउट वॉल्व लगा है, इससे हम एयर को रिलीज करेंगे। जो एयर जो रिलीज होगी वो हमारे 1 से 10 KGF के बीच में होगी। 1 से 10 KGF की जो हमारी एयर रहेगी वो आगे फर्दर प्रोसेस होगी किसी भी FRL यूनिट के जो हमारे फिल्टर रहता है, उस फिल्टर पे हमारी ये जाएगी। ये जो 10 KGF एयर है, हो सकता है ये 8 जा रही हो, 6 KGF तक जा रही हो, तो वो हमारी फिल्टर यूनिट पे जा रही है, जिसमें हमारा जो पंप होता है वो कभी चलता है कभी बंद होता है। इसमें फीडबैक सिस्टम होता है ये, तो हमारा जो फिल्टर होगा उस पर सबसे पहले ये पहुंचेगी, उसके बाद रेगुलेटर और लुब्रिकेटर। तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए फिर से मैं FRL यूनिट को आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर मैं डिटेल में आपको डिस्क्राइब करूँगा कि इसमें किस तरीके का कंस्ट्रक्शन आगे अंदर रहता है। FRL यूनिट में जैसे ही हमारा जो एयर फ्लो होगा वो इनलेट यहाँ पर से हो जाएगा, और यहाँ से इनलेट होगा तो इसके अंदर एक पॉलीकार्बोनेट कप रहता है। पॉलीकार्बोनेट कप के अंदर हमारा ब्रॉन्ज का एक फिल्टर, ब्रॉन्ज मटेरियल टाइप एक फिल्टर रहता है। जो हमारा कंप्रेस्ड एयर रहती है वो उसमें डस्ट एंड डस्ट पार्टिकल होता है, उसमें वेपर पार्टिकल हो सकते हैं, वाटर पार्टिकल हो सकते हैं, वो वेट एयर हो सकती है। तो उस जो हमारी जो डस्ट पार्टिकल इंक्लूडेड एयर रहेगी उसमें जो पार्टिकल रहेंगे वो सब यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, और जो हमारा फिल्टर रहेगा वो हमारी क्लीन जो एयर जो हमें मिलेगी वो रेगुलेटर की तरफ फ्लो करेगी, और जो हमारे डस्ट पार्टिकल जो हमारे यहाँ पर वेपर पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाएंगे, ये जो ड्रेन वॉल्व है, ड्रेन वॉल्व से हम लोग कभी भी इसे निकाल सकते हैं। जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पर ट्रांसपेरेंट अंदर से कप रहता है, वो हमें शो भी करेगा, हमें लग रहा है कि ज़्यादा यहाँ पर हमारा इकट्ठा हो गया, तो हम यहाँ पर से ड्रेन से उसे निकाल देंगे। उसके बाद जो एयर जो फ्लो होगी वो रेगुलेटर पर जाएगी। रेगुलेटर में हमारी एक स्प्रिंग रहती है, ये रहा, इसके अंदर रेगुलेटर में ये जो शो कर रहा है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये 1 तक गया है, MPa में है। जैसे कि मैं बताया आपको, KGF में भी हो सकता है, KGF में आप कन्वर्ट कर दीजिए MPa को, तो कोई इश्यू नहीं है। तो हमारे सिलेंडर को, बाय द वे, हमारे न्यूमेटिक सिस्टम को 5 KGF की ज़रूरत है, 4 KGF की ज़रूरत है। हमारी SOPs में जो हमारे प्रोसेस प्लांट रहते हैं उनमें SOPs बनी रहती है कि इस मशीन को 5 KGF की ज़रूरत है। तो हमारे ये जो ऊपर से हमारा नॉब लगी हुई है, नॉब को पहले अपवर्ड करेंगे, फिर हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से घुमा के इसमें प्रेशर को हम अपना सेट कर लेंगे, जितना भी हमें नीड होगी। 5 KGF की ज़रूरत है तो 5 में हम इसे सेट कर देंगे और हमारा जो गॉज होगा 5 KGF पर सेट हो जाएगा, और उसे नॉब को हम फिर डाउनवर्ड लॉक कर देंगे। ये देखिए, इसे हम डाउनवर्ड ले जाएंगे और ये लॉक हो जाएगा डाउनवर्ड करने में। इसमें इसका बस इतना सा यूज है कि मीन्स एयर को कंट्रोल करेगा। इसके बाद हमारा जो एयर होगी
वो लुब्रिकेटर में जाएगी। लुब्रिकेटर में हमारी लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, जो हमारी ड्राई जो एयर आ रही है, अगर हम इसे अपने पूरे न्यूमेटिक सिस्टम में भेजते हैं, वहाँ पर हमारे सिलेंडर हैं, वहाँ पर हमारे न्यूमेटिक से चलने वाले ड्रिल हैं, मोटर हैं, तो उनमें क्या है, वियर एंड टीयर ज़्यादा रहता है, तो अंदर से इंटरनली वो वियर टीयर ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम जो इसके अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है उसका यूज करते हैं, और जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल यहाँ से हमारा आगे प्रोसेस में जाएगा। तो ये लुब्रिकेटिंग ऑयल जो रहती है, इसके अंदर वेंचुरी और कैपिलरी ट्यूब होती है। कैपिलरी ट्यूब में जो हमारा रहेगा उसमें एयर फ्लो, फास्ट एयर फ्लो हमारा जो है वो वेंट से निकलेगा, और जो वेंचुरी होगी वो एयर में हमारी उन ड्रॉपलेट्स को एयर के मिलाएगी वेपर फॉर्म में। तो जिससे हमारा ये देखिए जो ये है, ये वॉल्व दिया हुआ है, ऑयल वॉल्व दिया हुआ है, इससे हम ऑयल मिला सकते हैं। और इसके बीच में, इसके नीचे, इसके बगल में ये हमें दिया हुआ है, ये देखिए एयर यहाँ से हमारी लुब्रिकेटिंग ऑयल यहाँ से जाएगी, और जो हमारा ऑयल वॉल्व है उसके बगल में हमने वेंचुरी के लिए कंट्रोलिंग के लिए लगाया हुआ है, उससे हम ऑयल सेट कर सकते हैं। और जो हमारे एयर जो फ्लो होगी उसमें, उसके बाद ये हमारे सिलेंडर में चली जाएगी, जो भी हमारा लोड पे एक्चुएटर्स लगे हैं, मोटर्स लगी हुई हैं या फिर ड्रिल लगे हुए हैं न्यूमेटिक के, तो उस पर जाएगी। तो जो लुब्रिकेटिंग जो हमारा ऑयल रहेगा वो एक फिक्स अमाउंट में मिलेगा। तो ये बेसिकली ये लुब्रिकेटर का वर्क था। तो इसी तरीके से जो हमारा पूरा ऑटोमेशन का जो सिस्टम रहता है उसमें हम इस तरीके के वॉल्व या फिर FRLs को यूज करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।